मुझे ना एक ड्रीम का मीनिंग जानना है। ओके okay? कोई एक्सपर्ट हो तो बता देना, मैं खुद भी एक्सपर्ट हूँ। टैरो मैंने ट्राई नहीं किया। थोड़ा सा भगवान मुझे क्लैरिटी दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो, मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें मैंने एक लेडी को देखा कि भाई वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चांद वगैरह देखते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, हस्बैंड का जाली में मुंह देखते हैं, जो सुहागने व्रत करती है ना हमारे यहाँ पे, जैसे वट सावित्री किया जाता है, वो क्या होता है यार, क्या बोलते हैं उसको, याद ही नहीं आ रहा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके okay? तो उस दिन पानी नहीं पीते हैं, लास्ट को पानी पीते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने देखा कि वो व्रत है और एक लेडी जो है बहुत अच्छे से तैयार हो रही है, सज धज रही है। ओके okay? तो मैं उसके कमरे में तो नहीं गई हूँ, लेकिन वो उस कमरे में सज धज रही है ऐसा दिख रहा है, और घर में शादी का माहौल है, और मेरा घर नहीं किसी और का घर दिख रहा है जिसमें शादी का माहौल है। और उसकी सांस, ओके okay, उसकी सांस जो है वो बाहर के जैसे हॉल में बैठी है, और उसके चेहरे पे अंधेरा है। ओके okay, अंधेरा है। उसके साइड में भी एक लेडी, उसके चेहरे पे भी अंधेरा है, मतलब एकदम डार्क, काला नहीं, छांव हो जैसे, मतलब वो जो शाइन उस लेडी पे दिख रही है जो सज धज रही है, वो शाइन उसके सासू माँ के चेहरे पे नहीं है। और बाहर मैं देखती हूँ वो जो उसकी सासू माँ है मुझे चाय मांग रही है, और मैं अब क्वेश्चन में हूँ कि ये मेरा घर तो नहीं है, मैं यहाँ पे किराए पे रहती हूँ, ऐसा उस कोई और ही घर दिखा रहा है। तो मैं समझ नहीं पाई कि मैं इनको चाय कैसे दूँ, ये तो मेरा घर है नहीं, मैं दूध कहाँ से लाऊँ मतलब जैसे कोई हॉस्टल होता है ना वैसे मैं रह रही हूँ, कि मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ना मेरे पास किचन है, दूध है, ना मेरे पास जो है ज्वेलरी है कि मैं इस शादी में अटेंड कर सकूँ, सज धज के मैं इस शादी को अटेंड कर सकूँ, ऐसा कुछ मेरे पास है भी नहीं। मैं बारात देख रही हूँ। बारात देखना कभी भी शोक समाचार होता है। मेरे एक रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी, जब मैंने देखा कि बारात में वो उनकी बारात जा रही है ऐसे कुछ, तो उनकी कुछ दिन बाद कोरोना में डेथ हो गई, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये जो है, ये जो है किसी का डेथ का समाचार है। ओके ये किसी के डेथ का समाचार है, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन आज इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग ड्रीम आए मुझे कि मैं सोच रही थी कि जो लेडी करवा चौथ के लिए सज धज रही है, उसका हस्बैंड सेफ है। ओके उसका हस्बैंड सेफ है, और जिस लेडी के चेहरे पे अंधेरा दिख रहा है शायद उसके हस्बैंड की डेथ होने वाली है, और ये शोक समाचार उसका है, ऐसा मैं सोच रही हूँ जो बारात दिख रही है। लेकिन मुझे कुछ ऐसे ड्रीम दिखाए गए जिससे पता चल रहा है कि भाई नहीं नहीं शायद जो लेडी सज रही थी, क्योंकि जिसकी डेथ हो जाती है उसको सजा धजा के जो है भेज दिया जाता है, क्योंकि कहीं भी उस जो जिस लेडी के चेहरे पे छांव थी उसका हस्बैंड कहीं नहीं दिख रहा। और आज मुझे जो ड्रीम दिखाए गए वो ऐसा कुछ बता रहे थे कि नहीं, जो लेडी सज धज रही थी उसकी वो, मतलब उसकी शोक शबा शायद उसके लिए वो मीनिंग था। तो अब ये लोग तो मतलब आई एम नॉट कनेक्टेड विद देम, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है। और तो आप बता सकते हैं इसका क्या मीनिंग है? दोस्तों, आज से ना मैं उन सेशंस को जो मेरी एनर्जी से सूट नहीं करते, उन सेशंस को मैं साफ मना कर दूंगी। कि अगर किसी के सेशंस के साथ मैं बहुत ड्रेन फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि जो सेशन जिनकी एनर्जी मेरे साथ मैच होती है, वैसे तो सभी प्रॉब्लमेटिक ही लोग आते हैं, उनके लिए मैंने फ्री सबकॉन्शियस हीलिंग अपने फेसबुक पे रखी है, उसको वो अटेंड करके उनको बहुत सुकून मिलता है मेरी आवाज़ सुनने से, मुझसे बात करने से, मेरे साथ सेशन लेके वो काफ़ी अच्छा महसूस करने लगते हैं, और उनको कुछ मैजिक फील होता है कि एक सेशन लिया और पता नहीं मैम से जस्ट बात कर ली, उन्होंने कोई बताया भी नहीं और उनको अच्छा लगने लगा। तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है। बट कभी कभी देखो, मैं पहले बहुत अच्छी थी, मेरी हेल्थ अच्छी होती, हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैंने अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से गंवा दिया है। अब तो मेरी ऐसी हालत है कि मुझे शुगर पेशेंट हो गई हूँ मैं,
और आपकी तो हीलिंग हो गई है, बदले में मुझे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन मेरी हेल्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, और इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आज से मैं उसी सेशंस को अटेंड करूँगी जो एनर्जी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। प्रॉब्लम में तो सभी लोग आते हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज बर्दाश्त नहीं होती है। और मैं क्या बताऊँ, हार्ट में ऐसा होता है कि अभी मर पड़ूंगी मैं यहाँ पे, ऐसा लगने लगता है कुछ एनर्जीज के साथ। देखो, आई एम अ डिवाइन एनर्जी, और मैं कोई भी गलत रास्ता अप्लाई नहीं करती हूँ। ऐसे में अगर अपोजिट नेचर वाला कोई होए, तो ये डेस्टिनी होती है किसका जन्म किस घर में हो रहा है, कैसे उनको दुश्मन मिल रहे हैं। लेकिन जो दुश्मन है, मानो दुश्मन ब्लैक मैजिक कर रहा है, और आप भी अगर उसी राह पे निकल जाओगे, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। बीइंग अ डिवाइन सोल, आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना है। अगर आप चुन लेते हो, तो आप एक फॉलन एंजल बन जाते हो, और आपका देवत्व जो है, आपकी जो डिवाइन एनर्जी है, वो ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर आप रिवेंज फॉर्म में जाके बदला लेने के चक्कर में उन्हीं की तरह बन जाओगे, तो आप एक जो एक डिवाइन एनर्जी है वो नहीं रहोगे। एक एंजल की तरह, एक देवता की तरह आप नहीं रहोगे। आप किसी को हील नहीं कर पाओगे। आपके संपर्क में आने से लोग ड्रेन हो जाएंगे। और कुछ ऐसे साइन होते हैं, मैंने देखा बहुत लोगों की कुंडली में, मैंने देखा 12वें घर में जब शुक्र होता है, तो आप वैम्पायर एनर्जी बन सकते हो। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि गलती से भी आप जो है ऐसे रास्ते पे ना जाएं जहाँ पे पतन हो। ये मैं किसी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर रही हूँ। ये कोई ऐसा ना समझे कि भाई मेरा या मुझसे नाराज़, मैं आपसे नाराज़ भी नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत हमदर्दी रखती हूँ, बट मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपको दुखी कर रही हूँ। क्योंकि क्योंकि बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। जैसे मेरे वैम्पायर सोलमेट, वो भी लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि भाई बस हमारा सेशन ले लो, बस हमारी हॉरोस्कोप रीडिंग कर दो, बस हमारा आकाशिक रिकॉर्ड कर दो, हमारा ज्योतिष देख लो, हमको रेकी सिखा दो। लेकिन अगर आपकी एनर्जी मुझसे मैच नहीं हो रही है, और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो इट्स नॉट गुड फॉर मी। कि अगर मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, तो किस लिए पैसे चाहिए? सर्वाइवल की चीज़ चाहिए। और आप उसी वक्त अगर आपकी जान जा रही है ऐसी एनर्जीज के साथ, आप बीमार हो रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है। एम्पैथ के लिए लेसन है कि उनको उनको प्रोवाइड गॉड करता है। उनको गॉड प्रोवाइड करता है। अगर आप एक टैरो रीडर हो, हॉरोस्कोप रीडर हो, आकाशिक रीडर हो, तो जो एनर्जीज आपसे मैच नहीं कर रही है, जिस एनर्जीज में आपको तकलीफ़ हो रही है, उसको इमोशनल होते हुए, क्योंकि हम इमोशनल होते हैं तो हम सामने वाले की तकलीफ़ को समझ के वो रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन उसका खामियाना, क्या बोलते हैं, नुकसान हमको भोगना पड़ता है। तो इट्स वेरी डेंजरस। आप सीने से जान निकल जाए, इतनी तकलीफ़ होती है। तो मैं आज से वही रीडिंग करूँगी जो मेरे लिए हेल्दी रहेगी, और कोशिश करूँगी कि रीडिंग में मैं ज़्यादा बात ना करूँ, छोटा से छोटा रीडिंग हो, और जो मेरा इम्पोर्टेंस समझते हो, जिनको बहुत लॉन्ग एक एक घंटा बात करके ही मैडम से बहुत अच्छा लगने वाला है, उनको मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि भाई ना आओ मेरे पास, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, बस इतना काफ़ी है। एक डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन लिख के देता है, उतना आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि ये डॉक्टर तो मुझे एक हमसफ़र की तरह एंटरटेन करे, जब चाहे मैं इसके साथ बात कर सकूं, तो सॉरी, डॉक्टर की पर्सनल लाइफ होती है। डॉक्टर अगर मरीजों के साथ मानो ज़्यादा घुल मिलने लगे, तो वो खुद भी मरीज़ बन जाए, उनकी बीमारियां वो अटेंड कर ले। तो इस तरह से मैं किसी और को टारगेट नहीं कर रही। आज किसी का सेशन हुआ, उनको लगेगा मैं उनको बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं। बस दिल की बात, क्योंकि एक एम्पैथ होता है, वो बात छुपा नहीं पाता, तो दिल की बात जैसे मुंह पे आ गई, तो परेशान लोग तो आते ही है। लेकिन देखो, पहले ऐसा होता था कि
एक दो लोग मिल जाते थे लाइफ में तो हम उनके ऊपर फोकस करते थे, अब बहुत लोग मिलने लगे हैं। तो डॉक्टर ये कर सकता है कि भाई आपके लिए क्या उपयोगी है वो बता सकता है कि आप रेकी सीखो, आप सबकॉन्शियस हीलिंग लो, डेली इनर वर्क का मेडिटेशन लो, ये सब छोड़ के अगर आप सोचते हो कि डॉक्टर आपको एंटरटेन करे तो इट्स नॉट पॉसिबल। डॉक्टर दवाई लिख के देगा, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, लेकिन डॉक्टर आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो आज के बाद मैं वही रीडिंग्स करूँगी जो मेरे लिए हेल्दी होगी, अदरवाइज मुझे माफ़ कर दीजिए बस। ओके, अगर आपको कोई ब्रेसलेट खरीदना है, रेकी सीखना है, क्रिस्टल रेकी, प्राणिक हीलिंग, विद्या शक्तिपात, प्रॉस्पेरिटी अटेनमेंट, हॉरोस्कोप रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, ये सारी रीडिंग्स अगर सीखनी भी है और करवानी भी है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, डेली इनर वर्क का मेडिटेशन जो हील कर रहा है सबको, ओके, जो जितनी भी तारीफ़ है, जितने भी लोगों के दिल में मैं बसी हुई हूँ सबकॉन्शियस हीलिंग की वजह से, डेली इनर वर्क के मेडिटेशन की वजह से, और मेरी आवाज़ जिसको मैं अपना नहीं कहूँगी, वो ब्लेसिंग मिली थी तो उसकी वजह से, तो इसलिए डेली इनर वर्क का मेडिटेशन ज़रूर खरीदिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।